मौसम सर दो रहा है और बहुत सारी वायरल इन्फेक्शन जो है वो इस मौसम में जैसे सर्दी होती है खुनकी बढ़ती है तो अपने साथ ले आता है ये मौसम। और इस वक्त भी मौसम सर्द होने के बाद बच्चों को नज़ला ज़ुकाम, बड़ों को भी बल्कि गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम की शिकायत जो मौसूल हो रही है, तो इसके ऊपर क्या एहतियाती तदाबीर बरती जा सकती हैं, ये क्या ट्रांसफ़र होता है एक बच्चे से दूसरे बच्चे को, इनके ऊपर क्या कुछ करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदीम यूसुफ, फैमिली फिजिशियन हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम टू शो डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैंने जिन मसाइल का इस वक्त तवज्जो दिलानी चाह रही हूँ आपकी भी ऑडियंस की भी, ये जेन्युइन है, मौसम बदलता है, चाहे वो गर्मी आ रही हो या सर्दी का आगाज़ हो रहा हो, तो एक बार हम बीमार ज़रूर होते हैं और हमें पता होता है कि एक बार जो है ना ये इन्फेक्शन हमें ज़रूर होना है, तो इससे बचा किस तरह से जाए, क्या हर बार ये इन्फेक्शन हमने लेना है उसके बाद ही हमें पता चलना है, या फिर पहले भी कोई कुछ किया जा सकता है कि हम बच सकें। सबसे पहले जी थैंक यू सो मच कि आपके चैनल के रेफरेंस से मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि जिसका हम तदारक कर सकते हैं। हर चीज़ मेडिसिन नहीं होती या एंटीबायोटिक्स नहीं होती, कुछ ऐसे मेजर्स होते हैं कि अगर हम उसको अडॉप्ट कर लें तो हम अपने बच्चों को बहुत हद तक बचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। जैसे आपने बात की कि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी आती है, तो इसमें कुछ ख़ास वायरस भी पैदा होता है जो कि कुछ अरसे के लिए आता है, पैदा होता है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, कि उसकी लाइफ बहुत कम होती है। होना यही चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, और पर्टिकुलरली हमारे जो बच्चे हैं ना वो 10 से 12 साल 15 साल ये इन्वॉल्व होते हैं, उसके अलावा छोटे बच्चे हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले कि बच्चों को हमें एक हैबिचुअल इस तरह बनाना चाहिए कि जब आप बड़े बच्चों को 5 साल का 6 साल का स्कूल भेजते हैं ना, तो उसमें जो लंच बॉक्स है वो आप अमूमन चॉकलेट, बंटीज और गोलियां, टॉफियां, चिप्स रख देते हैं। अब देखा जाए तो ये हेल्दी नहीं है। अब वाई नॉट के आप लोग उसको बनाना, फ्रूट, बिस्किट, बॉयल्ड एग, इसकी एक आदत डालें। यानी कि पेरेंट्स को चाहिए है कि स्टार्टिंग पे ही बच्चे को एक ऐसी हैबिट दें कि जो आइंदा इन फ्यूचर उसके लिए आसानी हो जाए। एक तो ये करना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आप फील करते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है, तो बच्चे को, बड़े बच्चे जो है ना, मास्क भी लगा सकते हैं, ताकि आप उसको मास्क लगाएं। अगर अगर इसको फ्लू हो गया है तो आप कोशिश करें कि वो स्कूल उस दिन एक आध दिन उसको छुट्टी करवाएं, ठीक है, ताकि वो ट्रांसफ़र ना हो। एक क्लास में जाता है तो सारे बच्चों को उसका ना इन्फेक्शन। अच्छा, ट्रांसफरेबल इन्फेक्शन है कि ये एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को होता है, बच्चा कभी कभार स्कूल से भी लेकर आ सकता है। एग्जैक्टली, तो यही चीज़ है कि हमने बाकी बच्चों को भी देखना है कि ये फ्लू एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है, और अगर घर में कोई 3 महीने का 4 महीने का 5 महीने का बच्चा है, छोटा बच्चा है, देखें वो इस तरह की तो बदप्रेजी नहीं करता, तो उसको कैसे इन्वॉल्व हो जाता है जबकि आप उसको बाहर नहीं लेके जाते। होता यही है कि यही बच्चे जो 3 साल के हैं 4 साल के हैं उसको अपनी गोद में ले लेते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको किस करते हैं। होना यही चाहिए कि इन डेज में जब बच्चा फ्लू में इन्वॉल्व है तो आप उससे थोड़ा सा इलादा रखें, कि उसको प्यार ना करें, उसको किस ना करें, उसको गोद में ना ले। जो ही उसका फ्लू ठीक हो तो फिर वो कोई मसला पैदा। डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि आपने एहतियात बताई कि लंच को बेहतर किया जाए, माओं की तरफ से सबसे पहले जिम्मेदारी होगी, पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो गई। अच्छा, अब अगर वो एहतियात कर भी रहे हों स्कूल से, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन होता है, ये मौसम की तब्दीली पे अक्सर बच्चे इसका शिकार हो जाते हैं, ये इन्फेक्शन लग गई, हम देखते हैं बहुत से डॉक्टर फौरी तौर पर एंटीबायोटिक तजवीज़ कर देते हैं, तो वो उससे मज़ीद नुकसान होने का खदशा है, क्या रेमेडी घरेलू तौर पर अपनाई जा सकती है ताकि एंटीबायोटिक से बचें? हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें ना कि अभी अगर हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं जी, कि गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ना, आप अपने घरों को, अपनी गली को, मोहल्लों को पहले तो नीट एंड क्लीन रखें ना, कि ये वायरस डेवलप ही ना हो, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अगर बड़े बच्चे हैं 10 साल का 12 साल का, उसको मास्क यूज़ करें, ठीक है जी, अगर वो हो गया मास्क यूज़ करेगा। दूसरा, कि अगर आप उसको फ्लू है, आप एक आध दिन के लिए उसको स्कूल से ऑफ करवा लें, आप स्कूल वालों को इन्फॉर्म करें ताकि बाकी बच्चे भी बच जाएं, आपका बच्चा भी जरा उसको जी यूज़ करने का मौका। उसके अलावा आप उसको जो घर में जो टोटके हैं जिससे कोई जुशांदा बना दिया, हनी वाटर हो गया, बॉयल्ड एग हो गया, कि आपने उसकी इम्यूनिटी को बेहतर करना है, तो आप ये चीज़ें करेंगे तो उससे काफ़ी बेहतरी। अच्छा, जो ये कहा जाता है नेबुलाइज करना शुरू कर दें, और फिर उसके साथ मेडिसिन भी मिलती हैं, इम्प्यूल्स मिलते हैं, वो आप डालें और नेबुलाइज करना शुरू कर दें, यहाँ पे स्टीम देना शुरू कर दें, कौन सी चीज़ बेस्ट रहती है और कौन सा टाइम होता है उसका, ठीक है, बच्चों को रूटीन में नेबुलाइज या फिर स्टीम देनी चाहिए या फिर जब वो इन्फेक्ट हो गया तो उसके बाद उसे देनी शुरू? नहीं, देखिए रूटीन में तो आप ना करेंगे,
आपने एक बच्चा अगर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको कोई नेबुलाइज नहीं करेंगे, आप उसको कुछ ना करें, ठीक है। अगर वो इनिशियली स्टार्ट हो रहा है फ्लू में आ रहा है तो उसको सिर्फ सिंपल स्टीम सादे पानी की आप एक बाथ दे दें, वो ठीक है। नेबुलाइज में जी ये है कि बास का तो उसमें हम कुछ ब्रोंकोडाइलेटर और कुछ जो है स्टीरॉइड्स ऐड कर देते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि वो इनिशियली करना चाहिए। और अमूमन ये होता है कि क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है ना, ये वायरस है, चंद दिनों के लिए आता है। इनिशियली छींकें आएंगी, फ्लू आएगा, लाइट सा फीवर होगा। अब पेरेंट्स भी बास के अंदर बहुत पैनिक हो जाते हैं कि इमीडिएटली वो जो मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं कि जी मैं अपने बड़े बच्चे की ये मेडिसिन हफ्ता पहले डॉक्टर साहब से लेके आई थी, इसकी की एक आध डोज। बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा आप हम लोग जो कावा घर में हमारे बड़े कहते हैं बड़ों से चला आ रही होती है, पता नहीं अब वो मिथ है या वाकई वो असरअंदाज होता है, क्योंकि अदरक बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है हमारे ऊपर। बीच में मिंट डाल लिया, अदरक डाल लिया, वो एक इलायची है, काली इलायची, पता नहीं दालचीनी, उन सबको मिक्स करके एक अच्छा सा बेहतरीन कावा बना के ग्रीन टी के तौर पर बच्चों को वो भी पिलाया जाता है, तो क्या वो दे देना चाहिए? जी मैं तो उसमें सबसे पहले कहूँगा हनी वाटर, शहद बिल्कुल मिला के पानी में, वो भी दिला शहद मिला के अगर आप पानी आप थोड़ा सा रोज पिलाते जाएं उससे बच्चे को बहुत इफेक्ट रहेगा। अगर आप कहवे की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल डाइल्यूट करके बहुत हाई तेज नहीं, वो भी आप दे दें, आप सिर्फ एक छोटा कप बच्चे को पिला दें तो वो भी बेहतर होता है। क्योंकि जो वार्म वाटर है ना, वार्म वाटर का अपना बड़ा अच्छा इफेक्ट है, तो सिंपल वार्म वाटर विद एडिशन ऑफ हनी वो आपके लिए बच्चों के लिए बेस्ट होगा। अच्छा किस एज तक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए बच्चे का? आपको खुद से, क्योंकि वही बात है कि डॉक्टर रिकमेंड करेगा तो पेरेंट्स को देना ही पड़ता है, लेकिन खुद से पेरेंट्स एहतियात करें, डॉक्टर के साथ भी जो गुफ्तगू हो रही है उसके अंदर भी उनको इस चीज़ का ख्याल रखें कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना होने, तो वो कौन सी एज है बच्चों की? देखिए इनिशियली तो ये होता है ना कि अगर आपने तो एंटीबायोटिक देनी नहीं ना आपको इस उम्र तक, जी नहीं वो आप इनिशियली स्टेज देखें, अगर एक महीने का बच्चा है अगर वो सीवियर इन्फेक्शन में जा रहा है तो उसमें तो हम मजबूर हो गए, अच्छा, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ना चला जाए, ठीक है, वो फिर निमोनिया की तरफ ले जाएगी, ब्रोंकाइटिस चला जाएगा, ठीक है, और डिजीज़ ज़्यादा बिगड़ जाएगी। वो एक लेवल होता है कि हम छोटे बच्चे को भी एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू द एज अकॉर्डिंग टू द वेट एंटीबायोटिक दे सकते हैं, लेकिन इनिशियली अगर आप मिस यूज़ करेंगे एंटीबायोटिक का जो कि गरों में बासकत होता है ना, तो उसको हमें डिसार्ड करना चाहिए कि भी इस तरह ना करें, ठीक है। और अगर आपने एंटीबायोटिक करनी है तो इफ इट दैट है कि हम कल्चर करवाते हैं या आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनको चेकअप करवाएं कि वाकई प्रॉपर एंटीबायोटिक इस कंडीशन में इस एज में कौन सी एंटीबायोटिक प्रॉपर उसको दी जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, ये बात बहुत शुक्रिया डॉक्टर से पूरा आपने पहले डिस्कस करना है, उसके बाद कि बच्चे को क्या एंटीबायोटिक दी भी जा सकती है कि नहीं। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रूटीन ऐसी बन जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम खुद ही कह देते हैं कि इसको एंटीबायोटिक दे दें और ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि हम लोग बड़े जल्दबाज हो जाते हैं इस मामले में, बच्चे को थोड़ा सा बीमार भी हम देख नहीं पाते हैं, तो एंटीबायोटिक से अपने बच्चों को बचाएं क्योंकि बहुत नुकसानदेह है।